72 एकड़ भूमि पर बना होलकर कालीन धरोहर लालबाग में अपने पुराने स्वरूप को लेकर के पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर और जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट द्वारा गुरुवार को परिसर का निरीक्षण किया गया और यहां हो रहे अवैध अतिक्रमण हटाने और बच्चों के लिए भव्य गार्डन योगशाला बनाने की बात कही। होलकर कालीन धरोहर लालबाग का निरीक्षण के बाद मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि लालबाग पैलेस को अपने वास्तविक रूप में पहुंचाने के लिए पुरातत्व विभाग ने चिंता जताई है। हालांकि यहां पर काम की गति फिलहाल धीमी दिखाई दे रही है। इसी को लेकर पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर और जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने निरीक्षण कर काम की गति को बढ़ाने की बात कही। आज लालबाग का निरीक्षण आपने किया है, किस तरीके से आने वाले दिनों में लालबाग की सूरत बदलेगी और प्रोजेक्ट पर किस तरीके से यहाँ पर काम? साथियों, हम सब जानते हैं कि पुरातत्व की अमूल्य धरोहर है हमारा लालबाग, तो वो अपने बहुत ही वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करे ऐसे चिंता आर्कियोलॉजी ने की है, पर काम की गतियां धीमी दिख रही है। इसी दृष्टि से आज इसका यहाँ निरीक्षण रखा। आदरणीय तुलसी भैया भी जब संस्कृति मंत्री थे तब उन्होंने यहाँ काम को बहुत तेजी से गति दी थी और मुझे लगता है जो सड़कें आज हमें अंदर आने तक की दिखाई दे रही हैं वो आदरणीय तुलसी भैया जब संस्कृति मंत्री थे उस समय ये बनी हुई है, तो उनका भी विशेष अगाव है। और हम जब इंदौर के हैं तो मुझे लगता है हम से हर किसी का चिंता है लालबाग को लेकर, तो ये अपने बहुत सुंदर स्वरूप को प्राप्त करे, यहाँ से अतिक्रमण गुंडागर्दी ये सब समाप्त हो, उस बात के लिए सब लोग हम चिंतित हैं। इसका बाउंड्री वॉल बन जाए, इसमें सुंदर नक्षत्र वाटिका बन जाए, इसमें योग के लिए व्यवस्थित स्थान बन जाए और एक सकारात्मक संपूर्ण वातावरण लालबाग में दिखाई दे, इस चिंता को लेकर आज ये दौरा। दीदी, एक सवाल ये होता है। वहीं जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा है कि मंत्री उषा जी के नेतृत्व में इंदौर का गौरव लालबाग जो कि 72 एकड़ भूमि पर बना है, इसे इसके वास्तविक रूप में लाने के लिए मंत्री उषा ठाकुर द्वारा संकल्प किया गया है। मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा कि संस्कृति विभाग मेरे पास भी थी और आज जो सड़कें यहाँ पर दिखाई दे रही है उसी समय की है। धर्म और संस्कृति विभाग जो कि हमारे मध्य प्रदेश की धरोहर है, मुझे पूरा विश्वास है, पूरा यकीन है कि उषा जी के नेतृत्व में ये पुरातन विभाग की धरोहर में एक नया स्वरूप, एक नई क्रांति, एक नया सोच, एक नया चिंतन आज के नेतृत्व में आएगा। ये उसी की दिशा में ये इंदौर का गौरव लालबाग लगभग 72 एकड़ में इस परिसर का और कोई भी पवित्र काम, कोई भी अच्छा काम जब एक मार्ग शक्ति संकल्प लेती है। आज उषा जी ने संकल्प ले लिया कि लालबाग का विकास, लालबाग की प्रगति, लालबाग की उन्नति होगी और जिस प्रकार से एक कमी हम देख रहे हैं उषा जी ने उसको दोहराया। दृढ़ इच्छा शक्ति की मैं इस बहन के साथ, क्योंकि संस्कृति विभाग मेरे पास ही था, अब हम इनके नेतृत्व में ये काम लालबाग का विकास और प्रगति और उन्नति जो भी कमी है, जो आप फंड की बात कर रहे हैं, फंड की कमी में दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी, उसको हम पूरा करेंगे। ये परिसर एक नए स्वरूप में, नए सोच के साथ उभरेगा, क्योंकि ये संस्कृति और उस राजवंश होलकर जमाने के धरोहर है, उसकी रक्षा करना, उसकी सुरक्षा करना और उसको नया स्वरूप उषा जी के नेतृत्व में जो हो रहा है और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की सरकार मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, मैंने कहा ना कि सक्षम नेतृत्व में इस धरोहर को सजा किसी के साथ जो एक योजना, एक रचना लालबाग की पूरी बने, इसमें से जिस प्रकार से उषा जी का संकल्प है कि मध्य प्रदेश के साथ हमको केंद्र से भी अधिक से अधिक पैसा हम लाएंगे। पहली प्राथमिकता उषा जी की है कि बाउंड्री वॉल, आप जानते हैं ये माहिल्या की नगरी है और पानी का महत्व चंपा बावड़ी, इसका फिर से एक रचना उषा जी ने कहा है, एक पूरी नगर नियम के साथ आईडीए के साथ बैठकर उषा जी के नेतृत्व में हम इसकी रचना के साथ वो क्या सहयोग कर सकती है, इसके लिए भी एक्शन प्लान बना रहे हैं। और आप जानते हैं कि जो ये परिसर दिख रहा है इसको व्यवस्थित सुरक्षित सिर्फ नए स्वरूप करने वाले।
ऑफ राइट्स के लिए इंदौर से तबरेज खान की रिपोर्ट।